Hello guys, this is Abhishek Agnihotri, your maths teacher, and in previous lecture we discussed that what are rational number and what are the types of rational numbers. Okay, so rational number mein hum logon ne baat ki thi ki those numbers which can be represented in the form of p upon q are called rational numbers, and the condition is here q should not be equal to 0, because if we put 0 in upon, then 7 upon 0, if we put like this, it is an undefined function. Undefined function. ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो रेशनल नंबर में भी हम लोगों ने जो बात की थी वो दो तरह के रेशनल नंबर होंगे. फर्स्ट इज, ये चीजें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग रिपीट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ टूडेज सेशन. रेशनल नंबर आर डिवाइडेड इन टू पार्ट. फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. क्यों? क्योंकि हम लोग अगर बात करें 1 upon 3 की, जैसे 1 upon 3, तो हम लोग अगर इसे सॉल्व करेंगे then we will get 0.3333 and so on. So it is the digit 3 reoccurring itself till up to an non-ending right side. So on this concept we will do the lecture of today. You can see the question on the board that what can be the maximum number of digits be in repeating block of decimal expansion. So isme kuch terms hain wo hum log discuss kar lete hain pehle ki repeating block hota kya. Repeating block kya hota hai ki suppose we have written is 7.333 and so on, so it can be written as 3. Okay, so the numbers which are repeating itself makes a repeating block. इसके repeating block में हम लोग देख रहे हैं कि one digit आया. अगर हम लोग इसी को लिखते हैं 6.23 23 23 and so on, then it can be written as 6.23 bar. So clearly we can see here the repeating block contains two digits. Okay, this is the repeating block. जो digits आपके repeat हो रहे हैं decimal form में, these are called repeating block. अब इसमें 1/17 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसे डिवीजन से सॉल्व कर सकते हैं. यू कैन सॉल्व इट जैसे कि आप लोग पहले सॉल्व करते रहे, इस टाइप से इसे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे और जो भी आपका डेसिमल फॉर्म में आएगा. ओके, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ रूल डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग कहां तक सॉल्व करें. जैसे कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं और क्वेश्चन एंड नहीं हो रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. हम लोगों ने 5-6 डिजिट्स तक सॉल्व किया और उसके बाद में हम लोगों ने मान लिया इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, बट इट इज नॉट लाइक दैट. रूल क्या है वो आपको आज मैं बता देता हूं और आप हमेशा याद रखेंगे. इफ द नंबर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ 1/n, ओके, इफ द नंबर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ 1/n, देन द रिपीटिंग ब्लॉक विल कंटेन repeating block will contain n minus 1 digits maximum. Okay, n minus 1 digits. हम लोगों को अगर कोई नंबर दिया है जैसे 1 upon 6, तो इसका मतलब अगर 1 upon 6 दिया है तो it is not sure कि कितने डिजिट आएंगे, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि n minus 1 मतलब 6 minus 1 कितना होता है 5. तो इसका मतलब रिपीटिंग ब्लॉक में 5 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है? मैक्सिमम आपके 5 डिजिट्स हो सकते हैं. तो ठीक है, हम लोग जब 1/17 को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट एन आंसर व्हिच हैज 16 डिजिट्स इन इट्स रिपीटिंग ब्लॉक. इट हैज, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ एट योर होम. ओके,
and you will get an answer which contains, it has 16 digits. In repeating block. इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लेना चाहें, क्योंकि 1/17 दे रखा है, n के केस में क्या है 17, और हम लोगों ने देखा है रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम कितने डिजिट्स आ सकते हैं आपके n-1, यहां पे 16 n-1 की वैल्यू है। आप इसमें भाई कोइंसिडेंस देखेंगे कि 16 डिजिट्स आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं जरूरी है कि आप हमेशा n-1 डिजिट्स मिलेंगे। द थिंग इज यू विल गेट n-1 मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक्स। ओके, we are taking another example for making this concept much clear. We are taking 1/7 as an example. Okay, 7 here and we will divide 1 point, extend a 0, 7 is 7, remainder is 3, again 0, 7 for the 28, remainder is 2, again 0, 7 to the 14, remainder is 6, again here put 0, 7 is the 56, here remainder is 4, again 0, 7 5 the 35, again here is 5, 0, 7 7 the 49, remainder is 1. You can see here, यहाँ पे remainder 1 है, और हम लोगों ने question की starting में 1 से ही लेके चले थे, इसका मतलब हम लोगों के digits repeat होने start हो गए। ठीक है, रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं, तो हमारा जो रिपीटिंग ब्लॉक है जिसके ऊपर हमें बार लगाना है वो हम इसके ऊपर लाएंगे, और आप लोग देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स डिजिट्स हम लोगों को रिपीटिंग ब्लॉक में मिल रहे हैं। और हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि जो अपॉन का नंबर है उससे एक कम, मतलब एन माइनस वन, यहाँ पे 7 है, तो हमारे रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स आ रहे हैं 6। बट रिमेंबर गाइस, आप लोग ये ध्यान रखें कि 6 जो है वो मैक्सिमम नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं कि 6 ही है, लेकिन अपने लोगों को 6 तक अप्रोच करना पड़ता है। नाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन एंड यू अटेम्प्ट इट। ओके गाइस, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यू कैन सी हियर वी हैव टू एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन डेसिमल फॉर्म। हम लोगों ने जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर था उसमें इस टाइप के काफी सम सॉल्व किए थे, बट इट विल हैव सम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और वो क्यों आता है, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन इन एनसीईआरटी को, सो यू हैव टू लुक वेरी केयरफुली। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी, फिर से रूल्स डिस्कस कर लेते हैं कि 0.999 को हम लोग लिख सकते हैं 0.9 बार। ओके, सो फर्स्ट अवर फर्स्ट मोटिव इज कि हमारा पॉइंट जो है वो बार के बिल्कुल पास में आ जाए, और पॉइंट हमारा पहले से ही बार के पास में है। सो वी विल लेट x इक्वल टू 0.9 बार। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। वी आर नॉट राइटिंग थ्योरी हियर एंड वी आर डूइंग अ डायरेक्ट सॉल्यूशन। अब हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में क्या करना होता है, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए पॉइंट को जंप करके राइट साइड में लेके आना होगा, बार के राइट साइड में जब हम लेके आएंगे तो 9 सिंगल डिजिट है, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हम लोगों का पॉइंट जंप करके इस साइड में आ जाएगा। देन इट गिव्स 10x इक्वल टू 9 पॉइंट, क्योंकि 9 के इधर पॉइंट आ गया तो 9 को लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा, 9.9 बार। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस सॉल्यूशन। If you are not clear, then you have to go through the previous video also. Okay. Now, subtracting equation 1 from equation 2. आप लोगों को एक सजेशन है कि आप इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म में अपने नोटबुक्स में ना करें। We are only giving the solution in symbolic form. और आप लोग इसे complete लिखें। Subtract equation 1 from equation 2. Okay. 10x minus x, we get here 9x, and here 9 bar minus 9 bar will be 0, and 9 minus 0 is 9. So guys, you can see here 9 upon 9, the answer is 1. अब आप लोग देखेंगे
कि x की वैल्यू हम लोगों ने 0. ओके, वी एज्यूम इन प्रीवियस इक्वेशन दैट x वाज 0.91, बट हियर वी गेट अ वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1. ऐसा क्यों? यहाँ पे एक कंप्लीट नंबर मिल गया है, यहाँ पे डेसिमल की फॉर्म में. अब दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन ये वन वैल्यू क्यों आई है? अब आप देखेंगे तो 0.9999 की बात की जाए तो हम लोग वैसे अगर जनरली बात करें, जो हम लोगों ने 5th, 6th, 7th, 8th में अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग, अगर हम लोगों के लगातार रिपीटेटिव नंबर होते रहते हैं तो नेक्स्ट वाले डिजिट अगर 5 से ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे 1 मान के पीछे वाले डिजिट में ऐड कर देते हैं. जैसे ये डिजिट है 9, अगर 9 को हम लोग 1 मान के 9 में ऐड कर दें देन इट बिकम्स 10. ओके, तो 10 का 1 इस साइड पहुंच जाएगा, इट विल बिकम 1.0. लेकिन आप लोग 9th में आ गए, सो द कॉन्सेप्ट शुड बी मच क्लियर. अब आप लोग देखेंगे कि जब हम लोग नंबर लाइन पे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते थे यहाँ पे, सो 0, 1, 2, 3 एंड -1, -2, -3. ओके, 0 से 1 के बीच में कई सारे रेशनल नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं. ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि 0 से 1 के बीच में कई सारे नंबर्स ऐसे होंगे जो हम लोग लिख सकते हैं. लेकिन अगर 0.9999 यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है और 1 यहां पे है, ओके, सो इसका और इनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में कोई भी रेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता. सो गाइस, द थिंग इज बिटवीन 0.9 and 1 there is no rational number, so we can count it as 1. This can be your justification of your answer. Okay, so now we are moving to do the next question. Before doing next question, we have to understand the remaining concept of this question. Okay, हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि rational numbers क्या होते हैं. Rational number को अगर हम recall करें तो रेशनल नंबर दो तरह के हम लोगों ने देखे थे. अब अगर हम उसे डेसिमल फॉर्म में लिखें, सो इट प्रोवाइड्स द रेशनल नंबर आइदर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और द टर्मिनेटिंग. या तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे डेसिमल फॉर्म में, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो वो रिकरिंग होंगे, रिपीट करते रहेंगे अपने साथ में. ओके, तो दो तरह के थे. अब हम लोग अगर रेशनल नंबर की बात करें, सो वी कैन गो बाय द डेफिनेशन the numbers which cannot be in form of p upon q. The numbers which cannot be in the form of P upon Q. ऐसे सारे नंबर जो P upon Q की फॉर्म में नहीं हो सकते हैं, that will be irrational number. और rational number की क्या definition थी? इसकी just opposite. The numbers which can be represented in the form of P upon Q. हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि numbers are divided into two parts, rational and irrational. Okay, rational and irrational दो तरह के numbers में divide कर देते हैं. अब हम लोग अगर decimal form की बात करें तो या तो ये terminate हो जाएगा, terminating होगा, otherwise ये क्या होगा, non-terminating. short form में हम लोग लिख देते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा. अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह के डेसिमल्स आते हैं, एक तो अपने ब्लॉक को रिपीट करते रहते हैं जैसे 0.3333 करके, और दूसरे वो जो अपने ब्लॉक को रिपीट नहीं करते जैसे 0.87324979276 और आगे भी रिपीट होते जा रहे हैं, तो ये कहीं पे टर्मिनेट नहीं हो रहे. सो दीज विल बी रिटन एज इरेशनल नंबर, मींस नॉन टर्मिनेटिंग. These will also be non-terminating. अब दोनों non-terminating है तो आप इन्हें differentiate कैसे करेंगे? These are recurring
rational numbers are recurring, but these are non-recurring. So this is the difference between rational and irrational numbers. ठीक है, next we come to कि हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे करें, कैसे किसी नंबर को फाइंड आउट करेंगे कि कोई रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर. सो वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ रूट टू. ओके, रूट टू की बात करें, सो ऑन सॉल्विंग रूट टू वी गेट अ वैल्यू ऑफ 414 and also 2135, and again the blocks keeps going on. Okay, so इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी डिजिट कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा है, so we don't get any repeating block on solving this. Similarly, if we solve root 3, then we will get a value of 1.73. Next, if we are solving 2050, 807 and 4. आप देखेंगे यहाँ पे ना तो कहीं पे 7 रिपीट हो रहा है, लेकिन 7 के बाद में भी हम लोगों को और डिजिट ऐसे मिलेंगे. 7 के बाद में अगर हमें दोबारा 3 मिलता तो ये रिपीटेटिव हो जाता, बट ऑन सॉल्विंग वी विल गेट कि 7 के बाद में 3 नहीं आ रहा, कोई और डिजिट आ रहा है. ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर. अब हम लोग पहचानेंगे कैसे, अगर किसी नंबर के ऊपर रूट लगा हुआ है, आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे रखे हैं, अदर बुक्स में दे रखे हैं, अगर किसी नंबर पे रूट लगा हुआ है एंड इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे रूट के अंदर 16 है, तो 16 का रूट तो 4 हो जाएगा, इट इज अ रेशनल नंबर. लेकिन अगर हम रूट 7 की बात करें, देन इट इज एन इरेशनल नंबर. सो गाइज, दिस इज द डेफिनेशन एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर. एंड इन नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हाउ टू सॉल्व रेशनल एंड इरेशनल नंबर. Next problem is, to solve this type of problem, the question becomes, find out whether the given expression is rational or irrational. तो rational और irrational को find out करने के लिए हमें पहले ये define करना होगा कि rational और irrational के आपस में operation किस तरह से होते हैं. So, we have already described that real numbers can be divided into two parts, rational numbers and irrational numbers. Okay. The thing comes to its operations. अगर यहां पे हम लोग रेशनल नंबर को R से रिप्रेजेंट करेंगे और इरेशनल नंबर को S से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, सो हम लोग इसे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई डिवाइड. ओके, दिस इज द चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. इफ वी एड अ रेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर, द रिजल्टेटिव नंबर विल बी रेशनल नंबर. ओके, now in the same way, if rational number is subtracted from rational number, it gives a rational number. Again, the rational number multiplied by rational number again gives a rational number. In the same way, if rational number is divided by rational number, the answer will be rational number. ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों का पहला concept कि rational का जब rational के साथ में कोई calculation होता है, so answer is always a rational number. Now we move to next. Again, there are four operations in mathematics: addition, subtraction, multiplication, and divide. If we multiply an irrational number with a rational number, then definitely the answer will be irrational number. Remember, rational or irrational ka koi bhi operation hoga, the answer will be irrational. Rational will be divided by irrational. The answer will be irrational. Rational is added to irrational, then answer will be irrational. And if rational is subtracted from irrational, then answer will be irrational. But एक और चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर rational irrational को divide करे या irrational rational को divide करे, the condition will be same. Okay? These follow commutative property. आप लोगों ने 6th में 7th में पढ़ी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. मैं एक बार फिर से डीपली मतलब शॉर्ट में बता देता हूं आपको कि अगर 3 मल्टीप्लाई 2 करें तो भी 6 आएगा, और 2 मल्टीप्लाई 3 करें तो भी क्या आता है, 6 ही आता है. इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इन द सेम वे, अगर इससे इसे डिवाइड करें तो भी इरेशनल आएगा, और इससे इसे डिवाइड करें तो भी इरेशनल.
same way, irrational is multiplied by rational number, then again the rational is irrational number. In all four operations, this rule will be followed. Okay. I hope you are clear with this concept. Or agar aap ise follow karenge, then definitely you will identify the correct answer for this type of question to identify rational and irrational numbers. Okay. Now moving forward, कि हम लोगों ने बात की रेशनल रेशनल की बात की रेशनल इरेशनल की बात की, लेकिन अब अगर बात करें कि इरेशनल और इरेशनल में क्या होगा, देन कॉन्सेप्ट विल बी सर्टेनली चेंज्ड. इफ वी ऐड एन इरेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर, इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग एन इरेशनल नंबर फ्रॉम इरेशनल नंबर, if we are multiplying or if we are dividing an irrational number from irrational, the answer either can be irrational or can be rational. Okay, we will take some examples also. Is it either can be rational or can be irrational, it is not certain, that we have to solve and find out. To aap logo ko iske liye thodi si mehnat karni padegi. इन्हें सॉल्व करके ही आप बता सकते हैं कि इरेशनल होगा या रेशनल होगा. जैसे हम लोग डिवीजन का एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है. सपोज वी आर डिवाइडिंग रूट टू बाई रूट टू. ओके, यू नो दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, रूट टू अगेन इज एन इरेशनल नंबर, इट विल बी कैंसिल डाउन विद वन अनदर एंड द रिजल्ट इज रेशनल नंबर. If we take an example of root 6 is divided by root 2, here it is an irrational number, it is also an irrational number. Root 2 divided by root 6, root 6 is divided by root 2, then the answer is root 3. It is an irrational number. You can see, हम लोगों ने दोनों केस में इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया है, लेकिन एक केस में इरेशनल नंबर आ रहा है आंसर, एक केस में रेशनल नंबर आ रहा है, और एक केस में आपका इरेशनल नंबर आता है. सो गाइस बी केयरफुल. आप लोग हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले आप ये देखें कि रेशनल रेशनल हो रहा है, रेशनल इरेशनल हो रहा है, या फिर इरेशनल इरेशनल हो रहा है. अब हम लोग इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. नाउ लुक, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज फाइंड वेदर नंबर इज इरेशनल और रेशनल. अभी तक हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है पीछे, वो सारा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डिस्कस हुआ है. तो सबसे पहले आप कुछ क्वेश्चंस में तो देखते ही ये बता सकते हो कि ये रेशनल है या इरेशनल है. जैसे कि हम लोगों ने पीछे बात की थी, अगर किसी नंबर के ऊपर रूट लगा है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन इट विल बी अ इरेशनल नंबर. लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और पता करने के लिए हम लोगों को इसका सॉल्यूशन भी करना पड़ता है. फर्स्ट क्वेश्चन इज रूट टू प्लस टू होल स्क्वायर. ओके, वी विल ओपन इट विद द प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर. रूट टू प्लस टू होल स्क्वायर, इट बिकम्स ए स्क्वायर मीन्स रूट टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज फोर प्लस टू ए बी, टू टू जा फोर रूट टू. ओके, रूट टू स्क्वायर इज टू प्लस फोर रूट टू, 6 प्लस फोर रूट टू. दिस इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन. ये इसमें आप देखते हैं पहला नंबर क्या है, रेशनल है, दूसरा क्या है, इरेशनल है. हम लोगों ने पहले इसे पढ़ा है कि रेशनल प्लस इरेशनल अगर हम लोगों को मिलता है तो आंसर विल बी इरेशनल. तो अगर एक नंबर रेशनल है और उसमें प्लस हो रहा है इरेशनल नंबर, देन इट इज एन इरेशनल नंबर. इरेशनल को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं. आप लोग इसे कंप्लीटली इरेशनल भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज टू प्लस रूट टू एंड इंटू टू माइनस रूट टू माइनस रूट टू. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज आइडेंटिटी दैट वी आर गोइंग टू यूज हेयर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर दैट इज फोर क्योंकि टू का स्क्वायर फोर होता है, एंड बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर. रिमेंबर गाइस कि जब भी किसी नंबर के ऊपर रूट लगा है और उस रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है. ठीक है, तो यहां पे 2 का रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 2, द आंसर बिकम्स 2.
टू इज अ रेशनल नंबर. हम लोगों ने पहले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जितने भी इंटीजर्स जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे किसमें आते हैं, रेशनल नंबर में. सो इट इज रेशनल नंबर. इन द सेम वे इफ वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम 6/√2 देन 3 × 3 = 6 2/√2 और 2/√2 में अगर √2 को हम लोग ब्रेक 2 को अगर ब्रेक करते हैं देन इट बिकम्स √2 × √2 √2 और √2 की मल्टीप्लाई. सो द फाइनल आंसर इज √2. √2 इज एन इरेशनल नंबर. सो आवर फाइनल एक्सप्रेशन इज इरेशनल नंबर. क्लियरली फ्रॉम दिस क्वेश्चन ऑन सॉल्विंग वी गेट √3 + √2 √2 + √3 भी लिख सकते हैं, इसे कोई इश्यू नहीं है. a² + b² + 2ab 2ab मतलब 2√6 2 + 3 = 5 + 2√6 अगेन आप लोग देख रहे हैं कि एक रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, क्योंकि 6 के ऊपर में रूट लगा हुआ है तो रेशनल प्लस इरेशनल जब हम लोग करते हैं उस टेबल से आप लोग मैच करेंगे द फाइनल एक्सप्रेशन बिकम्स इरेशनल. अगेन द क्वेश्चन इज ऑफ सेम टाइप सो इट विल ऑल्सो बी इरेशनल. सो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आप लोग आसानी से एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ये बता सकते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन रेशनल है और कौन सा इरेशनल है. तो अभी तक नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने 3 चीजें डिस्कस की, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और कुछ टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करना. सो हियर आर 3 लेक्चर्स, यू हैव टू गो थ्रू ऑल 3 लेक्चर्स टू अंडरस्टैंड डीपली द सब्जेक्ट. ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू.